हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके वेक्टर कैलकुलस। एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। खैर, मैं आपको हायर एजुकेशन का पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर स्कूल वाला जो कंसेप्ट है वो आप पढ़ चुके होंगे कि वेक्टर होता क्या है और यहाँ पे डायरेक्शंस, अल्टीमेटली वेक्टर में डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस होता है, राइट? कि जो आई कंपोनेंट होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, जे वाई एक्सिस को डिनोट करता है और के जेड एक्सिस को डिनोट करता है, राइट? सो यहाँ पे अगर कोई भी क्वांटिटी है जहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट करती है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जहां डायरेक्शन की बात नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? सो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वेक्टर फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर इंटीग्रेशन की, वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं कैसे करते हैं। सो वेक्टर डिफरेंशिएशन में यहां पे जो डिफरेंशिएट ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड आई डेल, को डेल से डिनोट करते हैं, आई डेल एक्स बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड, दिस इज कॉल्ड डेल। और कोई भी वेक्टर फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हम करेंगे, क्लियर? अब मैं ज़्यादा डिप में नहीं ले जाऊँगा, ना ज़्यादा थ्योरी में आपसे बात करूँगा, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर कंसेप्ट क्या है और क्वेश्चंस कैसे करना है। सो मैं वही फोकस पे आपको काम करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरी थ्योरी समझाने लग गया तो मुझे लगता है पूरा एक घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। सो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं थ्योरी की बात भी करूँगा आपसे, बट अभी ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहां पे आई जे और के आ रहा है, राइट? अब अगर ये डेल किसी स्केलर पे लगता है, स्केलर अगर ये एफ कोई हमारे पास स्केलर है, तो इस डेल को हम स्केलर पे लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड इंटू एफ, और इस एफ को अंदर लेंगे तो यह आएगा आई डेल एफ बाय डेल एक्स, जे डेल एफ बाय डेल वाई एंड के डेल एफ बाय डेल जेड। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो क्या बोलते हैं हम? ग्रेट एफ बोलते हैं, और इसका उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, राइट? अगर हमारे पास एफ वेक्टर है, मान लीजिए इस टाइप का आई एफ वन प्लस जे एफ टू प्लस के एफ थ्री, इस टाइप का अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, तो आप जानते हैं, आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच में क्या हो सकता है? एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक क्या प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट? अब मैं थोड़ा सा इधर साइड में लेके चलता हूं आपको कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और कोई बी वेक्टर आपके पास है ए टू जे प्लस ए थ्री के, सॉरी ए बी वन ले लीजिए इसको, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसे हम लिखते हैं? ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। सो ये आएगा आई डॉट आई वन होता है, सो दिस इज ए वन बी वन एंड ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री। अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको मैट्रिक्स से निकालते हैं, आई जे के, ये आएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू B3। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर हम निकाल भी लें इसको तो कितना आएगा यहाँ पे? ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री माइनस जे, यहाँ आएगा ये ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। सो ये जो डिटरमिनेंट आएगा दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। सो ये कंसेप्ट है जो आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा और मैंने आपको वापस रिवाइज कराया। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे डॉट प्रोडक्ट और कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज डेल डॉट एफ, ये आपका डेल और ये एफ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ये आएगा आपके पास आई डेल एफ वन बाय डेल एक्स, डेल एफ टू बाय डेल वाई एंड डेल एफ थ्री बाय डेल जेड। और ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट ऑफ एफ। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइवर्जेंट बोलते हैं। अब बात होती है, अगर दो वेक्टर, ये वाला और ये वाला वेक्टर, अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई जे के, और ये आपके पास आएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे आएगा एफ वन एफ टू एफ थ्री। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ एफ। सो यहाँ पे नॉर्मली तीन कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज ग्रेडियंट ऑफ एफ। अगर किसी भी फंक्शन का वेक्टर करना, स्केलर फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम इस तरह से करते हैं, और उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। अगर हमारे पास वेक्टर है
और उस वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पे दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो आता है डॉट प्रोडक्ट, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ एफ और क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर फिर इसी का दो तरीके से मतलब समझ में नहीं आया कि डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज किया जा रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया जा रहा है। तो यहां पे डाइवर्जेंट और कर्ल का एक मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, वो थ्योरी में जाना पड़ेगा। मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं लेके जाना चाहता हूं, मैं सीधी सीधी भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी का आउटपुट आपको स्केलर में निकालना है, मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन का आउटपुट स्केलर में निकालना है, तो हम डाइवर्जेंट लेंगे। और अगर हमें वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर वेक्टर की फॉर्म में आउटपुट निकालना है तो हम यहां पे क्या लेंगे, कर्ल ऑफ एफ लेंगे। सो मैंने यहां पे आपको बताया कि व्हाट इज द डाइवर्जेंट ऑफ एफ, व्हाट इज द कर्ल ऑफ एफ एंड व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है इसका क्या यूज है और इससे हम क्या क्या चीजें मतलब क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सो सबसे पहले तो आता है यहां पर नॉर्मल वैक्टर निकालने का। सो नॉर्मल वैक्टर को हम एन से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। अगर किसी भी फंक्शन का आपसे पूछे कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। दूसरा कंसेप्ट आता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कुछ नहीं करना है आपको, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ। This is the formula of unit normal vector. एक और concept आता है that is called directional derivative. Directional derivative. अगर आपको in a direction तो उसका formula होता है यहां पर gradient of f, और जिस direction में आपको निकालना है उसका आप क्या ले लीजिए, unit vector. So, इसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एक कंसेप्ट और है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो आता है अगर आपको दो स्केलर दे रखे हैं और उन दोनों स्केलर के बीच में एंगल निकालना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों स्केलर का ग्रेडियंट लेंगे। मैं यहां थोड़ा ऊपर समझा देता हूं। अगर आपके पास एंगल निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो एफ और जी दो स्केलर दे रखे हैं और आपसे पूछे कि पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी पे आप इसका एंगल निकालिए, राइट, तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे और इसके अंदर आप ये पॉइंट रख देंगे ए कोमा बी कोमा सी, एंड फिर हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ जी, यहां पे भी हम पॉइंट रख देंगे ए कोमा बी कोमा सी। फिर हमारे पास फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ ग्रेड ऑफ एफ डॉट ग्रेड ऑफ जी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ एंड मॉड ऑफ ग्रेड जी। सो ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब यहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है कि अगर बाई चांस दोनों जो स्केलर है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्या कंडीशन होगी, 0 डिग्री है तो क्या कंडीशन होगी, वो मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड आपको बताऊंगा। अभी मैं जो फर्स्ट वीडियो ले रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम डाइवर्जेंट निकालते हैं और उसकी एप्लीकेशन बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये जो दोनों क्वेश्चन है इस ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन पे है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम ग्रेडियंट के बारे में। सो देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर यहाँ पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड दे रखा है, ठीक है, सो तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। सो ये बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t एंड जेड इज इक्वल टू 3t माइनस 4 वेयर टी इज द टाइम कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 इन दिस डायरेक्शन। मतलब आपको यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है टी इज इक्वल टू 1 पे इस डायरेक्शन के अंदर, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोजिशन वैक्टर लिखेंगे। वी नो दैट द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट दिस पार्टिकल इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो आर वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t जे प्लस 3t माइनस 4 इंटू के। अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकालना है, सो द वेलोसिटी इज dr बाई dt, दिस इज वेलोसिटी। सो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो ये आएगा 4t i प्लस 2t माइनस 4 इंटू जे प्लस 3k। Now, अब आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू 1, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी वहाँ पे टी, जहाँ पे वेलोसिटी है उसकी जगह टी की जगह क्या रखना है,
वन रखना है, सो दिस इज फोर आई, और यहाँ वन रखेंगे तो ये क्या आएगा, टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू जे प्लस का थ्री के। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको वेलोसिटी निकालनी इस डायरेक्शन में, राइट? सो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन को ए मान लीजिए आप, इन आई माइनस थ्री जे प्लस टू के डायरेक्शन इज क्या आएगा, यहां पे इसका फार्मूला होता है, जो भी वेलोसिटी है उसके साथ इसका क्या निकाल दीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट, इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, राइट? सो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगा उस डायरेक्शन में, राइट? सो फोर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के डॉट, अब ये इस डायरेक्शन तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई माइनस थ्री जे प्लस टू के डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, वन प्लस नाइन प्लस फोर, सो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी आई डॉट आई वन, सो दिस इज फोर प्लस सिक्स अपॉन रूट 14, सो दिस इज 16 अपॉन रूट 14, सो ये आपके पास आई वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन में। फिर से बता दूं, आपने वेलोसिटी निकाली, उसके बाद जिस डायरेक्शन में निकालना उसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसके साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट? सो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर, सो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 4i, और यहां पे इसका आएगा प्लस का 2j, वो तो जीरो हो जाएगा, और यहां पे आप a की जगह t की जगह 1 भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन a डायरेक्शन कितना आएगा यहां पे, जो भी आपका एक्सेलरेशन है उसके साथ इसका क्या निकाल दोगे आप, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं सीधा बता रहा हूं, या सॉरी दिस इज द यूनिट वेक्टर, सो यहां पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4i प्लस 2j डॉट, ये आपके पास दे रखा है i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय, इसका लेंगे आप तो ये आपके पास आएगा रूट 14, अभी जो पहले निकाला था वो कभी आएगा, सो दिस इज 4 माइनस 6, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन रूट 14। सो इस तरह से हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट आगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो टेंजेंट वेक्टर को किस तरह से निकालते हैं, यहां दो कंसेप्ट है, एक तो है टेंजेंट वेक्टर का, एक है नॉर्मल वेक्टर का। तो नॉर्मल जो वेक्टर निकलता है वो निकलता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट, और टेंजेंट वेक्टर निकलता है बाय द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट? सो देखिए कैसे निकलता है, इधर देखिए, फिर मैं आपको ग्रेडियंट पे लेके आता हूं। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन इंटू आई प्लस 4t माइनस 3 इंटू जे प्लस 2t स्क्वायर माइनस 60 इंटू के। सो यहां पे हम निकालेंगे dr बाय dt, सो ये आएगा आपके पास 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6 इंटू के। सो दिस इज यहां पे टेंजेंट वेक्टर को मैं फार्मूला लिख देता हूं आपके सामने, टेंजेंट वेक्टर को हम t से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है dr बाय dt। सो हमने dr बाई dt अभी निकाल ही लिया, अब आपको टेंजेंट वेक्टर किस पे पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी पहले अपन टेंजेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। सो द फार्मूला ऑफ टेंजेंट वेक्टर इज क्या आएगा यहां पे, 2ti माइनस प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6 इंटू के। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का क्या होता है, जो भी आपको टेंजेंट वेक्टर निकाल रहा है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, मीन्स डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ डी आर बाई डी टी। सो आपके पास क्या होगा इसकी वैल्यू, 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6 इंटू के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, ये 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर इट्स टी इक्वल टू 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो t कैप है एट t इज इक्वल टू क्या निकालना है जी, 2 निकालना, तो जहां पे भी t वहां का रख दीजिए आप 2 रख दीजिए, तो ये 2 रखने पर क्या आएगा, 4i प्लस 4j और 8 में से 6 गया तो 2k अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहां पे, देखिए t की जगह 2 रखेंगे तो 4 16 32 प्लस 4 दैट इज 36, तो इसका आंसर आएगा 6। सो दिस इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर।
सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स बताया कि व्हाट इज़ द वेक्टर डिफरेंशिएशन, और हमने कैसे डाइवर्जेंट निकालते हैं, कैसे हम कर्ल निकालते हैं, कैसे हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया. उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया दो क्वेश्चंस कि जो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी निकालनी और एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं. और एक और कंसेप्ट बताया मैंने आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बारे में. सो ये कंसेप्ट है. और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और जो भी आपको लगता है कोई डाउट्स आ रहा है या ऐसा कुछ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.